ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरबा से सांसद ज्योत्सना महंत का एक बयान आया है। सरोज पांडे को चुनौती नहीं मानती है महंत, उनके पास धन बल है, मेरे पास कार्यकर्ता है, महंत का ये कहना है। रेणुका सिंह के बयान पर उन्होंने दरअसल निशाना साधा और कहा कि वो कब पार्लियामेंट में रहती है, मैंने नहीं देखा। तो ज्योत्सना महंत का बयान, कोरबा की ये सांसद है, उन्होंने कहा कि मैं किसी को, सरोज पांडे को चुनौती नहीं मानती हूं। रेणुका सिंह के बयान पर भी निशाना साधा और कहा कि वो कब पार्लियामेंट पर रहती है, मैंने नहीं देखा। मैं चुनौती नहीं समझती। हमारी कांग्रेस अपने उसूलों से, अपने विचारों से लड़ेगी। उनके और हमारे विचार बिल्कुल नहीं मिलते हैं। हमारे उनके पास देखिए बल भी है, प्रधानमंत्री भी आएंगे, पैसा भी बहुत है, और उन सब चीज़ों में मैं गरीब हूँ। और वो पहले यहाँ पर महापौर भी रहीं, बड़े बड़े पदों पे रहीं, दिल्ली में रहती हैं। मैं सारा गांव की बहू हूँ, घरेलू हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरे कांग्रेस कार्यकर्ता, मेरी जनता है। मैं ये पूछना चाहती हूँ रेणुका जी से कि वो कब कब रहती हैं और कब उन्होंने मुझे पार्लियामेंट में बोलते नहीं देखा या देखा, वो कब रहती हैं। मैंने तो उन्हें कभी नहीं देखा ना, उन्हें मैंने खुद ही नहीं देखा। महासमुंद के रहने वाले एमएस इमरान और तबस्सुम ने जिले का मान बढ़ा दिया है। इन्होंने मिक्स डबल मिनी गोल्फ में राष्ट्रीय चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है। नागपुर में आयोजित 9वीं सीनियर मिनी गोल्फ राष्ट्रीय चैंपियनशिप में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ से 40 महिला और पुरुष खिलाड़ियों ने भाग लिया था। पुरुष वर्ग की टीम ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। और चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।